विक्रम बत्रा की वीरता की कहानी। अपनी मातृभूमि के लिए तन मन धन से आहुति देने के लिए सदैव तैयार रहने वाले परम वीरों के बीच एक नाम विक्रम बत्रा का भी उभर कर सामने आता है, जिनके लिए हम भारतवासी का हृदय गर्व से भर जाता है। भारतवर्ष के हिमाचल प्रदेश में स्थित पालमपुर नामक गांव में 9 सितंबर 1974 को जब श्री जीएल बत्रा के घर दो जुड़वा बालकों का जन्म हुआ तो बधाइयों का तांता लग गया। इससे पहले उनकी दो बेटियां थीं। दो बेटे पाकर पिता खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। माता कमल कांता की खुशी का भी ठिकाना नहीं था। बड़े ही प्यार से दोनों बच्चों का नाम क्रम से लव और कुश रखा गया। लव का नाम विक्रम और कुश का नाम विशाल रखा गया। उन्हें डीएवी स्कूल में दाखिला मिल गया। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तुम्हें मन लगाकर पढ़ना है, जीवन की शिक्षा भी लेनी है। तुम्हें शिक्षा लेकर अपनी मातृभूमि के लिए अपने कर्तव्य का निर्वाह करना है और सदैव नेकी की राह पर चलना है। विक्रम बत्रा पर पिता की कही हुई बातों का बहुत बड़ा असर पड़ा। सेंट्रल स्कूल पालमपुर में पढ़ते हुए उन्होंने सेना छावनी के अनुशासन और राष्ट्रहित के लिए समर्पण को भी देखा था और अपने पिता तथा बुजुर्गों से वीरता और देश प्रेम की कहानियां भी सुनते रहे। देश प्रेम का जज्बा उनकी नस नस में समाया हुआ था। डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में उन्होंने विज्ञान विषय में स्नातक की डिग्री हासिल की। इसके साथ साथ एनसीसी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट भी चुने गए। उनकी बात जब भी उनके पिता के साथ होती थी तो उनका मुख्य विषय देश प्रेम होता था। पापा, मैं तो अपने देश के लिए ही लड़ूंगा और देश की ही सेवा करूंगा। मैं उस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं जब मेरा चुनाव भारतीय सेना में हो और मैं युद्ध के लिए सीमा पर बंदूक लेकर डट जाऊं। स्नातक परीक्षा पास करने के बाद उनका चुनाव हांगकांग में मर्चेंट नेवी में हो रहा था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। मैं तो माँ भारती की सेवा के लिए पैदा हुआ हूँ, मुझे दौलत की लालच भी मेरे इरादे से नहीं हटा सकता। ठीक है बेटा, अब तुम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ो। मैं भी चाहता हूँ कि तुम भारत माँ की सेवा करो। इसके बाद वह दिन भी आ गया जब विक्रम का चयन CDS के जरिए भारतीय सेना में हो गया। जुलाई 1996 में उन्होंने भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया। दिसंबर 1997 में प्रशिक्षण समाप्त होने पर उन्हें 6 दिसंबर 1997 को जम्मू के सोपोर नामक स्थान पर सेना की 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्ति मिली। उन्होंने 1999 में कमांडो ट्रेनिंग के साथ कई प्रशिक्षण भी लिए। जून 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध प्रारंभ हो गया। जमीन से हजारों फीट ऊंचाई पर स्थित पहाड़ियों पर भयंकर कड़ाके की ठंड पड़ती थी। वहां जाकर अपने आप को सुरक्षित रखते हुए दुश्मन से लड़ना एक टेढ़ी खीर थी। उन्हें कुछ लोगों ने राय दी कि वे अभी ये कारगिल युद्ध में शरीक होने के बारे में न सोचें। इतनी ऊंचाई पर जाकर लड़ना बहुत मुश्किल काम है। विक्रम के इरादे तो अडिग थे। जब कर लिया हो इरादा ऊंची उड़ान का, कल देखना फिजूल है अब आसमान का। 1 जून 1999 को विक्रम अपनी टुकड़ी के साथ कारगिल युद्ध के लिए रवाना हो गए। हम्प व राकी नाब स्थानों को जीतने के बाद विक्रम को कैप्टन के पद पर पदोन्नति मिल गई। वीर जवानों, अब वो समय आ गया है कि हम अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हो जाएं। करो कुछ ऐसा कि तुम पर हर एक की निगाह रहे। लड़ो कुछ इस तरह दुश्मन भी वाह वाह कहे। मैं जानता हूं कि हमें दोहरी लड़ाई लड़नी है। अब आप सब सोचेंगे दोहरी लड़ाई कैसे, तो सुनिए, पहली लड़ाई यहाँ के भयानक शरीर को सुन्न कर देने वाले मौसम से है और दूसरी लड़ाई दुश्मन से है। दूसरे दिन बत्रा की टुकड़ी श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण 5140 चोटी को पाक सेना से मुक्त करवाने के लिए आगे बढ़ गई। कैप्टन बत्रा अपनी कंपनी के साथ पूर्व दिशा की ओर बढ़ने लगे और शत्रु से लोहा लेने के लिए भीतर तक पहुंच गए। साथियों, तैयार हो जाओ, अपनी अपनी पोजीशन ले लो, आक्रमण! इनकी टुकड़ी की बंदूकें गरजने लगी। दुश्मन भी दहलने लगा। सबसे आगे कैप्टन बत्रा ही थे। आमने सामने की बड़ी लड़ाई में दुश्मन के 4 सिपाही ढेर हो गए। दुश्मन की तरफ से भी वार हो रहा था।
भारत के वीर बांकुरे कहां पीछे रहने वाले थे, वह सब ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे थे। साथियों, हमारे अंदर वीरता और साहस की गर्मी का संचार हो रहा है। यहाँ ना तो ठंड हमारा कुछ बिगाड़ पाएगी और ना ही दुश्मन। हाँ सर, हमारे हौसले लाजवाब हो रहे हैं। हम सब अपने मिशन में कामयाब हो रहे हैं। हम गोलियों से खेलने के लिए पैदा हुए हैं। अब तो दुश्मन भी हमें खून की होली खेलने के लिए मजबूर कर रहा है। आगे बढ़ो, जीत पक्की है। सबसे अधिक कठिन क्षेत्र होने के बावजूद विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ 20 जून 1999 को सुबह 3:30 पर इस चोटी को अपने कब्जे में ले लिया। कैप्टन विक्रम बत्रा ने जब इस पहाड़ की ऊंची चोटी से रेडियो के जरिए अपना विजय उद्घोष यह दिल मांगे मोर कहा, तो सिर्फ सेना ही नहीं बल्कि पूरे भारत में उनका नाम मशहूर हो गया। उन्होंने विजय घोष के साथ तिरंगा फहरा दिया। कैप्टन बत्रा को उसी समय कारगिल का शेर की उपाधि मिल गई। उन्हें और उनकी टुकड़ी को ऐसी सकरी चोटी से दुश्मन के सफाई का कार्य सौंपा गया जिसके दोनों ओर खड़ी ढलान थी, जिसके एकमात्र रास्ते की शत्रु ने भारी संख्या में नाकाबंदी की हुई थी। यह बड़ी कठिन लड़ाई थी। विक्रम ने अपने साथियों को फिर से ललकारा। साथियों, कठिन मिशन है पर असंभव नहीं। दुश्मन के दांत खट्टे करना है। आगे बढ़ो। इस मिशन को पूरा करने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा ने एक सकरीले पठार के पास से शत्रु ठिकाना पर आक्रमण करने का विचार किया। दोनों तरफ से बंदूकें गरजने लगी। कई दुश्मन ढेर हो गए, हमारे भी कुछ सैनिक घायल हो गए। दो गोली विक्रम को भी लग गई। गंभीर जख्म लग जाने के बावजूद भी वो रेंगते हुए शत्रु की ओर बढ़ गए और ग्रेनेड फेंकने लगे। ग्रेनेड के सही निशाने पर लगने के बाद शत्रु का सफाया हुआ। कैप्टन विक्रम बत्रा ने जान की परवाह न करते हुए अपने साथियों के साथ, जिसमें लेफ्टिनेंट अनुज नैयर भी शामिल थे, कई पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारा। विजय भी प्राप्त की, किंतु जख्मों के कारण ये परमवीर अफसर वीर गति को प्राप्त हो गए। उनके इस असाधारण नेतृत्व से प्रेरणा पाकर उनके सभी साथी जवान प्रतिशोध लेने के लिए शत्रु पर शेर की तरह टूट पड़े और शत्रु का पूरी तरह से सफाया करते हुए पॉइंट 4875 पर कब्जा कर लिया। महावीर कैप्टन विक्रम बत्रा ने मिशन पर जाने से पहले एक घोषणा की। उन्होंने कहा था, या तो बर्फीली चोटी पर तिरंगा लहराकर आऊंगा, नहीं तो उसी तिरंगे से लिपट कर आऊंगा, पर आऊंगा जरूर, मेरा इंतजार करना। कारगिल के शेर कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपनी जान की बाजी लगाते हुए विजय पताका लहराया और अपनी भारत माँ की रक्षा के लिए शहीद हो गए। उनके इस अदम्य साहस, वीरता और उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस तरह परमवीर विक्रम बत्रा सदा के लिए अमर हो गए। आर्मी का जावाज सिपाही मेजर रणविजय सिंह अपने बेटे रणवीर की शादी के उपलक्ष में छुट्टियां लेकर अपने गांव आए हुए थे। यहां शादी की तैयारियां हो रही थी और वहां बॉर्डर पर युद्ध के बादल मंडरा रहे थे। दुश्मन की सेना द्वारा आए दिन गोलाबारी होती थी और हमारे वीर जवान उनका मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। मेजर रणविजय कहते हैं, रणवीर की माँ, तुम तो जानती ही हो कि बॉर्डर पर युद्ध के हालत बने हुए हैं, इसीलिए कभी भी मेरा बुलावा आ सकता है। हमारे बेटे की शादी है, आपका रहना जरूरी है। हम सैनिकों के लिए सबसे पहले वतन और इसके बाद सारे रिश्ते नाते। वतन की सुरक्षा के लिए हमें हमेशा तैयार रहना है। हाँ माँ, बाबूजी ठीक कह रहे हैं। शादी की तैयारी हो ही रही है। बड़े भैया का और परिवार वालों का पूरा सहयोग है। अगर युद्ध हुआ तो हम जल्द ही विजय का तिरंगा लहराएंगे। इसके बाद फिर से मुझे छुट्टी मिल जाएगी और मैं शादी में शरीक हो जाऊंगा। अरे चिंता ना करो, अभी कई दिन बाकी है। इस बीच फोन की घंटी घनघनाई। मेजर ने रिसीवर उठा लिया। अधिकारी हेडक्वार्टर से बोल रहे थे, मेजर साहब, युद्ध आरंभ हो गया है। आपको जल्दी से जल्दी रिपोर्टिंग करनी है। छुट्टी पर गए हुए सभी लोगों को बुलावा भेजा जा चुका है। हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ।
थोड़ी देर में निकल रहा हूँ। हम सब मिलकर दुश्मनों का छक्के छुड़ा देंगे, उन्हें छट्टी का दूध याद दिला देंगे। लीजिए, बुलावा आ गया, अब तो आपको जाना ही होगा। इसमें कोई शक नहीं। देवी जी, मेरा सामान पैक करिए। चिंता मत करो, हमारी विजय होगी और मैं शीघ्र ही वापस आ जाऊंगा। रणवीर कहता है, बाबूजी, अगर अब तक आर्मी में मेरा सिलेक्शन हो गया होता तो मैं भी इस युद्ध में हिस्सा लेता। बेटा, तैयार रहना, जल्द ही तुम्हारा नंबर भी आ जाएगा। तुम ही लोग देश के भावी रखवाले हो। मेजर रणविजय सिंह ने अपने घर वालों से विदा ले ली और जंग के मैदान में पहुंच गए। तोपों और गोलियों की आवाजें गूंज रही थी। आकाश में बीच बीच में अग्नि की चमक दिखाई दे रही थी और धुएं का बादल उठ रहा था। मेजर साहब अपने सैनिकों का साहस बढ़ा रहे थे। मेरे बहादुर जवानों, मुझे ही नहीं बल्कि पूरे देश को तुम पर नाज है। तुम्हारी गोलियों के आगे अब दुश्मनों के पांव डगमगा रहे हैं। आगे बढ़ो, विजय हमारा इंतजार कर रही है। एक सिपाही कहता है, सर, आप सही कह रहे हैं, अब दुश्मन की खैर नहीं। देखिए कैसे भाग रहे हैं। युद्ध कुछ दिनों तक चलता रहा। दुश्मन के कई सैनिक घायल हुए थे और कई शहीद हो चुके थे। हमारे भी कुछ सैनिक वीरगति प्राप्त कर चुके थे। दोनों तरफ से गोलीबारी जारी थी। हमारे तोपे आग उगल रही थी, दुश्मन की आह निकल रही थी। मेजर रणविजय सिंह ने भी लगातार मोर्चा संभालकर दुश्मन पर आक्रमण जारी रखा था। उन्होंने कई दुश्मन सैनिकों को ढेर कर दिया था। हमारे एयरफोर्स ने भी गोले बरसाकर दुश्मनों के नाक में दम कर दिया था। उनके कई टैंक तोड़ दिए थे, दुश्मन की सेना को तितर बितर कर दिया था। इधर मेजर की भी गन रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अचानक पास ही एक धमाका हुआ। एक सैनिक कहता है, सर, आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ, जंग जारी रहे। मेजर की गन फिर से आग उगलने लगी। दूसरा सैनिक कहता है, सर, आप बहुत घायल हो चुके हैं, चलिए हम आपको छावनी में ले चलते हैं। मेजर की जुबान लड़खड़ा रही थी। उन्होंने कहा, रुको, मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। दो जवानों ने मिलकर उन्हें उठाया और छावनी की तरफ चल पड़े। इधर हिंद की सेना आगे बढ़ रही थी। विजय की देवी उन पर निछावर हो रही थी। दुश्मन के पांव लड़खड़ा रहे थे। अंत में हमारी सेना विजयी रही। मेजर के गांव में उनके बेटे की शादी हो चुकी थी और बधू को लेकर बारात वापस घर आ चुकी थी। पोस्टमैन काका ने रणवीर को आवाज दी, रणवीर बेटा, बधाई हो, इंडियन आर्मी में तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, ये लो लेटर, तुम्हें बुलाया है। रणवीर कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद काका, आपने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी। बैठिए, हम आपका मुंह मीठा कराएंगे। माँ, देखो मेरा भी बुलावा आ गया, 4 दिन के बाद मुझे भी जाना है। उधर हमारे सैनिकों ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए हैं, हम जंग जीत चुके हैं। बाबूजी को छुट्टी नहीं मिली, वरना वो हमें आशीर्वाद देने के लिए जरूर आते। अब बाबूजी जल्दी ही वापस आ जाएंगे, अब तो उनके हाथों से मुझे दोहरा आशीर्वाद भी मिलेगा। दोनों माँ बेटे फूले नहीं समा रहे थे। इतने में एक मिलिट्री की गाड़ी आकर उनके द्वार पर रुक गई। रणवीर ने कहा, माँ, बाबूजी आ गए, बाबूजी आ गए, देखो उन्हें कितनी बड़ी गाड़ी से सम्मान के साथ भेजा है। उस गाड़ी से मिलिट्री के दो जवान बाहर निकले और इसके बाद उन्होंने तिरंगे से लिपटे हुए मेजर रणविजय सिंह के पार्थिव शरीर को बाहर निकाला। रणवीर की मां ने जब ये दृश्य देखा तो
उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। गांव के लोग इस हृदय विदारक दृश्य को देखकर बहुत दुखी हो गए। रणवीर अपने पिता के शरीर से लिपटकर तड़प कर रो रही थी, कह रही थी, बाबूजी, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, अपनी जीवन संगिनी के साथ आपसे आशीर्वाद लेने की इच्छा से उतावला हो रहा था। मैं आपको अपनी आर्मी के सिलेक्शन की खुशखबरी भी देना चाहता था। आपने कहा था हमारी विजय होगी और जल्दी ही वापस भी आऊंगा, लेकिन लेकिन आपकी वापसी इस तरह होगी, इसकी मैंने कभी सपने में भी आशा नहीं की थी बाबूजी। इतना कहकर रणवीर अपने पिता के चरणों को पकड़कर उस पर सर रखकर रोने लगा। एक सच्चा जावाज सिपाही अपने वतन की रक्षा के लिए अपनी जान भी निछावर करने को हमेशा तैयार रहता है। जय हिंद, जय जवान।